हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी मोम एक तलवार के मैजिक से गोल्ड में बदल जाती है और उसे इस कर्स को तोड़ने के लिए वर्ल्ड के एंड तक जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे एंजॉय करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में हम फ्लेक नाम के एक वाइकिंग क्लैन को देखते हैं जो समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर लौट रहे हैं। इनका लीडर है हेलवर्ड नाम का एक वाइकिंग, जिसे ये बोरिंग काम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो चाहता है कि लाइफ में कुछ एडवेंचर और डेयरिंग होना चाहिए। तभी वो सामने से एक पायरेट शिप को आते हुए देखते हैं, जिसका लीडर स्वैन नाम का एक बारबेरिक वाइकिंग है और वो हेलवर को फिशिंग करते देख उसका बहुत मजाक उड़ाता है। हेलवर भी शायद इसी मौके की तलाश में था और वो गुस्से में स्वैन के शिप पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान स्वैन की एक मैजिकल तलवार उछलकर हेलवर के शिप पर आ गिरती है, जिसके साथ एक गिलहरी भी है और हेलवर स्वैन को सबक सिखाने के लिए तलवार को अपने कबीले में ले आता है। कबीले में हम उसके बेटे विक को देखते हैं, जो खुद भी अपने डैड की तरह एक वाइकिंग बनना चाहता है और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। यही हम विक के मोम इल्या को देखते हैं, जो हेलवर के खाली हाथ आने से बहुत नाराज है और उसे खुश करने के लिए हेलवर उसे वो मैजिकल तलवार दिखाता है, लेकिन इल्या इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और हेलवर भी उस तलवार को वहीं छोड़कर चला जाता है। विक अपनी फ्रेंड मारिया के साथ उस तलवार को चेक करने आता है और देखता है कि वो गिलहरी उससे दूर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगले दिन कबीले में एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है, जिसे जीतने वाले को हेल्वर के क्रू में शामिल किया जाएगा और विक और मारिया भी वहाँ अपना चांस लेने आए हैं। मारिया अपनी स्किल से सबको बहुत इम्प्रेस करती है और फिर बारी आती है विक की, लेकिन इससे पहले कि वो अपना निशाना लगा पाए, एक दूसरा तीर आकर निशाने को भेद देता है। पता चलता है कि एक दूसरे फेमस वाइकिंग का बेटा लीफ है, जो यहाँ हेलवर के क्रू में शामिल होने आया है और हेलवर भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं लीफ को इस टूर्नामेंट का विनर घोषित करता हूँ। विक उनसे अपनी टर्न के बारे में पूछता है, लेकिन हेलवर ये कहकर मना कर देता है कि तुम और प्रैक्टिस करके अगले साल ट्राई करना, और इससे विक का दिल टूट जाता है। शाम को वो लीफ के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं, लेकिन विक इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और अकेला बैठकर उस तलवार को एग्जामिन करने लगता है। हेल्वर उसे वो तलवार लीफ को दिखाने को कहता है, जिस पर लीफ बताता है कि ये तो एस्गार्ड के राजा ओडीन की तलवार है और कहा जाता है कि ये किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। हेल्वर इसे यूज करने का तरीका पूछता है, लेकिन लीफ उसे छूने से मना कर देता है और कहता है कि ये तो आपको खुद ही ढूंढना होगा। तब विक उन्हें बताता है कि तलवार के ब्लेड पर कुछ निशान बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें तलवार को 8 की शेप में घुमाना होगा और फिर उनके चुटकी बजाते ही ये काम करने लगेगी। फिर वो उन्हें इसका एक डेमो दिखाता है और उसके चुटकी बजाते ही तलवार से निकली पावर एक चिकन को गोल्ड में बदल देती है। ये देख कर तो सबके होश उड़ जाते हैं और हेल्वर कहता है कि अब तो वो यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। इसके बाद वो एक एक करके चीजों को गोल्ड में बदलने लगता है और इसी जल्दबाजी में वो इस पावर का यूज अपनी वाइफ पर कर देता है, जिससे वो एक गोल्ड स्टैचू में बदल जाती है। विक ये देखकर रोने लगता है और हेल्वर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब लीफ उन्हें तलवार की स्टोरी बताता है कि इसे ओडिन ने अपने बेटे लोकी के लिए बनाया था और यह एस्गार्ड के बाहर किसी भी चीज को सोने में बदल सकती थी, लेकिन लोकी और उसका भाई थोर आपस में लड़ते रहते थे और इससे नाराज होकर ओडिन ने लोकी को एस्गार्ड से बैनिश कर दिया। उसने लोकी की सारी पावर्स छीन ली और उसे वॉर्न किया कि जब तक वो अपना नेचर ठीक नहीं कर लेता, तब तक वो इस तलवार को नहीं छू पाएगा, और तब से लोकी को किसी ने नहीं देखा। विक पूछता है कि इससे भला मेरी मोम के ठीक होने का क्या कनेक्शन है, और तब लीफ उन्हें इस कर्स को तोड़ने का तरीका बताता है। इसके लिए उन्हें एक ऐसे आइलैंड तक जाना होगा जो अर्थ और हेवन की बाउंड्री पर बना हुआ है, और वहाँ एस्गार्ड जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता है, जिसे सब लोग बिटफ्रोस्ट के नाम से बुलाते हैं। उन्हें इस तलवार से उस जगह को एक्टिवेट करना होगा, जिससे तलवार की पावर्स खत्म हो जाएंगी और इल्या वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। हेल्वर ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन लीफ बताता है कि ये करने के लिए उनके पास बस 4 दिन का वक्त है, वरना तलवार का कर्ज परमानेंट हो जाएगा। एक आदमी उस आइलैंड तक जाने का रास्ता पूछता है और लीफ बताता है कि मैं वहाँ जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विक भी उनके साथ आना चाहता है, लेकिन हेल्वर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी इस जर्नी के लिए बहुत छोटे हो। सुबह वो एक बोट लेकर उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और पता चलता है कि विक और मारिया भी छुपकर बोट पर आ गए हैं, जिनके साथ वो गिलहरी भी है।
तभी हम स्वैन और उसके पायरेट्स को आते हुए देखते हैं, जिसकी नज़र इल्या के उस गोल स्टैचू पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि हेलवर ने तलवार को यूज करना सीख लिया है। जल्दी ही दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी चक्कर में विक और मारिया पायरेट्स के हाथ लग जाते हैं। स्वैन बच्चों के बदले हेलवर को ब्लैकमेल करता है और हम देखते हैं कि उसने हेलवर के ग्रुप को एक आइलैंड पर छोड़ दिया है और खुद तलवार और स्टैचू को लेकर वहाँ से निकल गया है। विक इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम्हें एक बार अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। विक भी कुछ सोचकर अपने डैड से बात करने जाता है, लेकिन हेलवर उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, क्योंकि तुम एक वाइकिंग बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तब लीफ उसे समझाता है कि विक एक बहुत ही समझदार लड़का है और तुम्हें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। विक भी कुछ सोच कर एक आइडिया निकालता है और हम देखते हैं कि उसने एक पेड़ और क्रू के कपड़ों से एक बोट बना ली है और वो सब उसे लेकर पायलट्स का पीछा करने लगते हैं। इधर स्वैन अपने लोगों के साथ एक पायरेट क्लब में आता है और कहता है कि अब हम कुछ दिन यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। वहाँ वो क्लब के मालिक टेरी से मिलता है, जिससे उसने काफी उधार लिया हुआ है, और कहता है कि आज मैं सारा हिसाब चुकता करने आया हूँ। टेरी भी इतने सारे गोल्ड को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि इससे तो तुम ये पूरा क्लब खरीद सकते हो। स्वैन, जो अब तलवार को यूज करना सीख चुका था, अपने लोगों के लिए ढेर सारा गोल्ड बनाता है और कहता है कि अब हम यहाँ के सबसे अमीर पायरेट्स हैं। उधर विक और उसके साथी भी क्लब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। तभी विक एक डांसिंग ग्रुप के कॉस्ट्यूम्स को देखता है और वो सब उनका रूप लेकर अंदर पहुँच जाते हैं। स्वैन को लगता है कि ये सब शायद टेरी ने अरेंज किया है और टेरी भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि इसके बदले तुम्हें स्टैचू का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। स्वैन उसकी बात मान जाता है और विक देखता है कि एक आदमी उसकी मॉम के स्टैचू को अंदर ले जा रहा है। छुपता हुआ वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो एक कटर से स्टैचू को काटने वाला है। वो एक गोल्ड ब्रिक की मदद से उसे रोक लेता है, लेकिन खुद उस आदमी के हाथों पकड़ा जाता है। इधर डांस करने के बहाने हेलवर स्वैन से वो तलवार चुरा लेता है, लेकिन उनका ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और स्वैन को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है। हेलवर के लोग वहाँ तबाही मचाने लगते हैं और जल्दी ही वो क्लब टूटकर नष्ट हो जाता है। फिर वो लोग अंदर विक की मदद करने आते हैं और मिलकर उस आदमी को ढेर कर देते हैं। आगे वो एक बोट लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और जाते जाते स्वैन की बोट को भी डिसेबल कर देते हैं, ताकि वो उनका पीछा ना कर पाए। इसी तरह चलते हुए उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं और मौसम भी बदलना शुरू हो जाता है। ठंड से उनकी बॉडी जमने लगती है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो अपनी मंजिल तक कब पहुँचेंगे। विक नोटिस करता है कि वो गिलहरी लीफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे भी लीफ के इरादों पर शक होने लगता है, लेकिन मारिया उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है और लीफ तो असल में हमारी मदद कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि आगे तो हर जगह आइस जमी हुई है और लीफ बताता है कि हमें कैसे भी करके इसे जल्दी से पार करना होगा, क्योंकि यहाँ तीन बड़ी बड़ी लहरें आने वाली हैं। वो लोग पीछे के रास्ते से जाने की सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि पीछे से तो स्वैन आ रहा है, जो उनसे अपनी तलवार वापस पाना चाहता है। तभी समुद्र में वो लहरें उठने लगती हैं और विक कहता है कि हम इसके करंट को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। लीव भी उसकी बातों से एग्री करता है और वो बोट लेकर सीधा उस लहर की ओर जाने लगते हैं। लहरों की ढलान से उनकी स्पीड और तेज हो जाती है और विक अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से बोट को स्टीयर करने में हेलवर को सपोर्ट करता है। तभी वो एक और बड़ी लहर को आते हुए देखते हैं, जो दोनों मिलकर एक टनल बना लेती हैं और वो सब इस मैजिकल रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर फाइनली उनका सामना उस तीसरी लहर से होता है, लेकिन वो उन्हें उछालकर आसमान की ओर फेंक देती है। जागने पर वो देखते हैं कि वो लोग उस आइलैंड तक आ पहुँचे हैं और लीफ उन्हें बताता है कि दरवाजे के खुलने का टाइम हो गया है और उन्हें जल्दी से तलवार को ऊपर ले जाना होगा। हेलवर विक और मारिया से आगे जाने को कहता है और बताता है कि हम तुम्हारी मॉम को लेकर पीछे आ रहे हैं। मारिया अपने एरो से दीवार पर रास्ता बनाती है, जिससे विक और लीफ ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो खुद एरो टूटने के कारण पीछे रह जाती है और उधर हेलवर भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाने की तैयारी करता है। ऊपर विक लीफ को फॉलो करता है और देखता है कि वहाँ दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए हैं। आगे कुछ टनल से होते हुए वो बिट फ्रोस्ट के पास आते हैं, जहाँ लीफ कुछ बटरफ्लाइज को हटाकर उसे रिवील करता है और बताता है कि यही एस्गार्ड जाने का सीक्रेट रास्ता है। फिर वो विक से तलवार को बिट फ्रोस्ट में डालने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो ऐसा करने से डर रहा है और ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है।
तभी अचानक वो विक को आगे की ओर धकेलता है, जिससे वो तलवार सीधा पिट फ्रॉस्ट में जा गिरती है और विक देखता है कि उसकी पावर से वहाँ एक पोर्टल बनना शुरू हो गया है। वो लीफ से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन लीफ इसका कोई जवाब नहीं देता और तभी तलवार से कुछ गोल्डन थ्रेड्स निकलकर सब जगह फैल जाते हैं। फिर हम लीफ को उस तलवार को छूते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो तो असल में ओडिन का बेटा लोकी है, जो उन्हें बहला कर यहाँ अपना कर्ज तुड़वाने लाया था और उसे उसकी मॉम की कोई परवाह नहीं है। विक को लोकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लोकी उसे बताता है कि ये सब उसके डैड ओडिन की वजह से हुआ है, जिन्होंने तलवार पर ऐसा कर्ज लगाया था जिससे मैं उसे छू तक नहीं सकता था और इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अब कोई भी मुझे एस्कार्ट जाने से नहीं रोक सकता। तभी विक को ढूंढता हुआ हेल्वर वहाँ आता है, लेकिन जैसे ही वो उस गोल्डन थ्रेड को छूता है उसका एक हाथ और पैर गोल्ड का बन जाता है। विक लोकी से ये सब ठीक करने को कहता है और पूछता है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन लीफ उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करता। तभी विक की नज़र उस गिलहरी पर जाती है और उसे याद आता है कि शुरू से ही हैमर यूज करने में वो बहुत माहिर थी और यहाँ तक कि तलवार की पावर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो उस गिलहरी को उठाकर उस बिट फ्रॉस्ट में फेंक देता है। लोकी को उसकी बेवकूफी पर बहुत हंसी आती है, लेकिन तभी वो देखता है कि गिलहरी अचानक से थोर में बदल गई है, जिसे खुद भी ओडिन ने अर्थ पर भेज दिया था। थोर बताता है कि इसीलिए मैं इस तलवार को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये मुझे तुम तक जरूर पहुंचा देगी। फिर हम उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहां थोर धोखे से उसकी तलवार को दूर उछाल देता है और वो सीधा नीचे वोल्केनो में जा गिरती है। तलवार के नष्ट होते ही उसका कर्ज भी टूट जाता है और लोकी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी उन्हें ओडिन की आवाज़ आती है, जो कहता है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ चुका हूँ और अब तुम्हारा फैसला एस्गार्ड में जाकर होगा। फिर वो उन दोनों को अपने साथ वापस ले जाता है और उनके जाते ही वो जगह ढहने लगती है। उधर हेल्वर के साथी अभी भी उस स्टैचू को ऊपर नहीं ले जा पाते और तभी उनके पास एक गोल्डन बॉल आकर गिरती है और वो समझ जाते हैं कि स्वैन यहाँ तक आ पहुँचा है। विक और उसके डैड भी लोकी की शील्ड लेकर वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्वैन ने उनके साथियों को पकड़ लिया है। विक उसे अपनी फैमिली से दूर रहने को कहता है, लेकिन स्वैन को तो बस उस तलवार की पड़ी हुई थी। तभी वो देखता है कि ये जगह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और वो इल्या के स्टैचू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विक अपने डैड को होश में आने को कहता है और बताता है कि आप एक वाइकिंग होकर हार नहीं मान सकते। उधर स्वैन देखता है कि उसकी गोल्डन बॉल अचानक से बदलना शुरू हो गई है, जिसका मतलब कर्ज का असर अब खत्म हो चुका है। विक भी ये बात नोटिस करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हेल्वर पागलों की तरह स्वैन के ग्रुप पर टूट पड़ता है। स्वैन अटैक करने के लिए अपनी आयरन बॉल निकालता है, लेकिन पीछे से इल्या उसे नॉकआउट कर देती है, जो कर्ज के हटने से अपने असली रूप में वापस आ गई है। विक अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे डैड दुनिया के सबसे पावरफुल वाइकिंग हैं। फिर हम उन्हें वापस अपने कबीले की ओर जाते हुए देखते हैं और हेल्वर अनाउंस करता है कि विक अब उनके क्रू का एक पार्ट बन चुका है। विक भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।